बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज माफी मुसअब एंड यू वाचिंग दाना एवरी बर्ड यूट्यूब चैनल। आई होप सो यू आर ऑल फाइन। आज लव बर्ड और जावा के बिल्कुल हटकर एक लैदर टॉपिक पर बात करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे कि भाई इसका बिजनेस कैसा है, क्या न्यू फैंसर्स भाई इस हॉबी के अंदर आ सकता है, और जो लव बर्ड वाले हैं स्पेशली जावा वाले हैं वो भी इस हॉबी के अंदर आ रहे हैं या नहीं। सबको पता है आज मैं बात करने जा रहा हूँ डव की सारी म्यूटेशंस की, कि डव का बिज़नेस कहाँ से स्टार्ट किया जाए, डव की बिज़नेस के लिए बेसिक इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, क्या 2024 और 25 के सीज़न में चलेगा, क्या इसकी मार्केट अच्छी है, मार्केट डिमांड और सप्लाई के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं बात करूँगा 2023 और 24 के पिछले सीज़न की जावा, डव और लव बर्ड के बारे में, कि किसके रेट में इजाफा हुआ है, किसके रेट में कमी हुई है, और किसका रेट जो है वो स्टेबल रहा है और उसकी मार्केट में डिमांड भी रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2023 के सीज़न के, पिछले साल की आप बात कर ले जब इनका सीज़न एंड हो रहा था या मिड में आया था फरवरी और मार्च में लव बर्ड का, तब अल्हम्दुलिल्लाह क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो रेड आइज, इन सारों के रेट सबको पता है क्या क्या थे। अल्बाइनो रेड आइज 12-13 का बिक रहा था, क्रीमिनो डेकिनो 30,000 से लेकर 35,000 का, मैंने खुद सेल परचेज़ किया था, इतने में आराम से सेल हो रहा था और इसकी माशाल्लाह डिमांड भी बहुत अच्छी थी। 2023 के अंदर 23 का सीज़न आया, लोगों ने काफ़ी न्यू फैंसर्स के अंदर ऐड हुए, उन्होंने लव बर्ड लगाया बहुत ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा आ गई, एक्सपोर्ट बंद हो गई, ब्रोकरों ने इसका रेट बिल्कुल मज़ीद ख़राब कर दिया, नीचे गिरा दिया। तो अब 2024 आज की बात करूँ तो लव बर्ड का रेट सारों के सामने है कि क्या हुआ पड़ा है, तो एक ये हो गया। इसके बाद जावा की बात करें तो 2023 में माशाल्लाह जावा ने भी बहुत अच्छी मार्केट की अपनी, उसके जो फ़ोन जावा की बात कर लें, वाइट की बात कर लें, सिल्वर की बात कर लें, मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा थी, सप्लाई भी ज़्यादा थी, प्रोडक्शन थोड़ी बहुत कम थी, लोगों ने इसे सेल परचेज बहुत अच्छे तरीके से किया। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पंजाब के इलाकों की, पंजाब की बात कर लें या लाहौर की बात कर लें, बाकी कराची और अदर सिटीज़ जो हैं इनके बारे में मैं बाद में बात करूँ, क्योंकि इनके बारे में अभी एग्जैक्ट इन्फो नहीं है हमारे पास। तो अपने जो हमारी सिटी है उसमें जो हुआ है हमारी नज़रों के सामने हम उसकी बात करेंगे। जावा में फिर 2023 में लोगों ने इसे काफ़ी ब्रीड करवाया, सर्दी में आकर आपको पता है जावा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसमें एक्सपायरी भी बहुत ज़्यादा आती है, प्रोडक्शन भी कम आती है, और डेडिंग शेल भी इस बार बहुत हुआ, तो जावा के जो रेट थे वो भी सर्दी के अंदर गिर गए थे, तकरीबन 6-7 हज़ार फ़ोन का आ गया था, वाइट सिल्वर भी 1500 में चले गए थे, और पट्ठों का मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद फिर अब जो सीज़न इनका स्टार्ट हुआ है फेब के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रेट जो फ़ोन का है वो 8-9 हज़ार रुपये है, आराम से सेल हो रहा है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और सप्लाई भी मार्केट के अंदर ज़्यादा है, तो ये चीज़ें तो होगी चलने वाली। डव की बात करें तो डव आप 2022 में देख लें, 2023 में देख लें, अब 2024 में देख लें, 2022 में थोड़ी बहुत डिमांड कम थी लेकिन आराम से ईजिली सेल हो रहा था, क्योंकि डव के जो पंजाब के अंदर या लाहौर के अंदर शेड बहुत कम है, बेसिक ये जो बर्ड है जो ब्रीड ज़्यादातर हो रहा है ये कराची के अंदर हो रहा है, क्योंकि कराची का मौसम ऐसा होता है ज़्यादातर गर्मी पड़ती है, तो लोग इसे डव को ज़्यादातर जो है कराची में लगाना पसंद करते हैं, लव बर्ड जो है वो इस वक्त लाहौर में ज़्यादा लगा हुआ है। तो डव माशाल्लाह इस वक्त पंजाब की सोसाइटी ने रोज़ाना के तौर पर या हर हफ्ते बाद डव के ऊपर शो किया जा रहा है, बड़े बड़े फैंसियर जो डव के अंदर आ रहे थे वो कराची वाले लाहौर के अंदर आए हैं, शो उन्होंने किया अच्छे तरीके से, और न्यू फैंसियर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऐड हो रहा है, लोगों ने 100-100 पीसीज या 50-50 पीसीज की रेड पाइट डव की बुकिंग की हुई है। इस वक्त सारों को रेट पता है 12-13-14 हज़ार रुपये से होकर रेड पाइट पट्ठे का स्पॉटेड अच्छी क्वालिटी में और अच्छी ब्लड लाइन में ये रेट चल रहा है पर पीस का। सिल्वर पाइट डव है, इसके बाद नीचे अगर बात करें तो कॉमन डव भी आ जाती है, वो डायमंड पाइट डव भी आ जाती है, ओपल डव भी आ जाती है, तो ये सारी है। बेसिक डिमांड किसकी है मार्केट के अंदर, रेड पाइट डव की, अच्छे मार्केटों में सेल होता है, और इस वक्त लव बर्ड वाले जो हैं वो ज़्यादातर लोग, मेरे खुद हमारे अजीज़ और रिश्तेदार हैं उन्होंने भी लव बर्ड को छोड़कर या लव बर्ड भी रखा है साथ में डव भी इस बार माशाल्लाह उन्होंने अच्छी क्वांटिटी में ऐड की है, यानी कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। न्यू फैंसर भाइयों को यही कहूँगा कि जो भी डव का काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो बेसिक से स्टार्ट लें, ताकि अगर आपको नुकसान भी हो तो ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े, जिसमें कॉमन डव होगी, डायमंड डव होगी, इसके ब्रीडर पे ले सकते हैं, रेडी टू ब्रीड ले सकते हैं, नहीं तो पट्ठे बेस्ट हैं। जब भी आपने किसी चीज़ के ऊपर भी काम करना होता है तो पट्ठे लिया करें, जिसमें होता क्या है कि आपको वो पता होता है कि मेरे घर का बर्ड है इसे क्या क्या खिलाया पिलाया, और ब्रीड भी अच्छी आती है कि किसी चीज़ का, नहीं तो फिर डायमंड स्प्लिट रेड का ले लें, वो डायमंड टू डायमंड लगाएं, स्प्लिट अगर होगा रेड का तो एक आध बच्चा जो है आपका रेड पाइट डब भी आ जाएगा, वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है अगर आप स्प्लिट में जाते हैं। और इसके साथ साथ कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा है, आने वाले 5-10 साल में कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये पंजाब के अंदर अभी लोगों ने स्टार्ट किया, इससे पहले पिछले साल में देख लें कोई इधर उरूज नहीं था, लोगों को पता नहीं था बेसिक डव क्या होती है, बहुत कम शेड आए थे लाहौर के अंदर जिन्होंने डव लगाई थी, लेकिन अब जावा वाले लव बर्ड वाले वो सारे इसमें ऐड होते जा रहे हैं, डव लगा रहे हैं, साल गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया, गर्मी बेसिक उनका है, गर्मी के अंदर ही बर्ड ब्रीड करता है डव, और सर्दी के अंदर आपको पता है इनका सीज़न आउट हो जाता है, सर्दी में लव बर्ड और गर्मी में डव,
तो जो भाई भी स्टार्ट करना चाहते हैं बेसिक से काम स्टार्ट करें। इसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद इन्फो भी बनाऊंगा इसके ऊपर, इंशाल्लाह मैं भी ऐड कर रहा हूं, तो उसके ऊपर आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन दूंगा कि भाई क्या इसकी ब्रीड है, कितने महीने के अंदर ब्रीड करता है, क्या खिलाएं पिलाएं, 100 फूड अच्छी खुराक हर चीज़ के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। हाँ ये बात है कि 2 अंडे देता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर 5-5, 6-6 क्लच भी दे दे, 4-4 क्लच भी दे दे डव, ये गर्मी के सीज़न के अंदर, तो आपके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट या एक आपको अच्छा प्रॉफिट आ जाता है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो डव के ऊपर। इंशाल्लाह आने वाले सीज़न में डव का राज ही चलेगा, तो आप भी लाजमी ऐड करें। खुश रहें, आबाद रहें, मिलता हूँ मैं आपको किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।